ଉଦ୍ୟୋଗ ହିସାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏଭଳି କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମନୀଷ ଆଉ ପୂଜା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଇଆଇଟିଆନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୃଷିକୁ ନେଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଆଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିହେବ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣରେ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିହେବ ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ମ୍ୟାମ୍ ଆପକେ ପାସ୍ ଆପ୍ ଗେଲ୍ ମେ ଜବ୍ କରି ଥି ଆଇଆଇଟିଏନ୍ ହେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ ୟେ ଯୋଉ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆପକେ ଦିମାଗ ମେ କ୍ୟା ଆୟା ଅର୍ କ୍ୟା କରନା ଚାହତେ ଥେ ଆପ देखिए ऐसा है कि हमारा बैकग्राउंड गांव से है, बिहार के नालंदा जिले से मैं बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से वो गांव वाला माहौल मिला। नौकरी में गई, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन था, वो जो फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर से जो रिलेशन था वो कहीं ना कहीं उस ओर बुला रही थी। और इस सेक्टर में बहुत ज़रूरत है पढ़े लिखे लोगों की, क्योंकि आप देखिए एग्रीकल्चर में आज जैसा सेशन में भी बताया गया कि एग्रीकल्चर में वही लोग आते हैं जिनको और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, अभी ऐसी धारणा हो गई है। तो पढ़े लिखे लोग अगर एग्रीकल्चर में जुड़ते हैं तो एग्रीकल्चर काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ये जो लोगों में अभी धारणा है कि एग्रीकल्चर प्रॉफिट नहीं आता है, इवन घाटे का सौदा है, तो पढ़े लिखे लोग आएंगे इसमें तो घाटे का सौदा नहीं है, एक अच्छा संपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता है। उसको आप ऐसा कह सकते हैं इंटीग्रेटेड लाइफ एग्रीकल्चर से मिल सकता है। तो मनीष जी, क्या है एक्चुअली आपका बिजनेस मॉडल थ्रू बैक टू विलेज? आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं आगे जाके? बैक टू विलेज जैसा नाम से लगता है, गांव को अग्रसर चले गांव की ओर। तो जिस तरह हम लोग वापस आए, कहीं ना कहीं मन में एक तो कुछ ऐसा करना था जिसके थ्रू सीधे समाज को कुछ इम्पैक्ट कर सकते थे, क्योंकि पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है, आप पैसे तो कहीं भी रह के कमा सकते हैं, लेकिन लाइफ कुछ मीनिंगफुल हो। तो बैक टू विलेज में हमारी जो कोशिश है कि कैसे अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे। अच्छा, कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले सारे लोग आज शहर में जाके नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली जो बात है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं जिससे कि जो फार्मर क्लास है उनको बेनिफिट मिले, उनके लाइवलीहुड में कुछ आए, परिवर्तन आए? तो उस पे हमारा जो काम है कि किसान को हम लोग शुरू से लेके, मतलब उनको कौन सी फसल लगानी चाहिए वहां से लेके और उनका मार्केटिंग तक, मार्केट लिंकेज, हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी, फार्मर्स के जो प्रोडक्शन है वो कुछ प्रोडक्ट्स भी लाए हैं हम जो मार्केट में बेच रहे हैं। तो आइडिया है कि डायरेक्ट फ्रॉम क्रॉप सिलेक्शन टू मार्केटिंग उनको हर चीज बताएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं जिसमें कम खर्च में खेती हो पाए, और जो एक बताए डिस्कनेक्ट है, क्योंकि किसान उगा भी लेता है तो उसकी पहुंच नहीं है कि वो किसी बड़े कंपनी को अप्रोच कर पाए, वो आईटीसी और या गोदरेज या जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनको कैसे अप्रोच करेगा। हम लोगों के पास वो एक फैसिलिटी है। तो जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है कि हम एक छोटे छोटे सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं, एक हमारा अपना प्रोटोटाइप जो सेंटर होगा वो यहाँ पे हम भुवनेश्वर के पास पूरी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, और ऐसे सेंटर्स हम चाह रहे हैं कि हर ब्लॉक में 2-4-5 सेंटर्स हों। और बैक टू विलेज नाम वहीं से आया है कि जो लोग शहर में नौकरी कर रहे हैं, एक बड़ा तबका है आप पता करेंगे, जो बीटेक बीई एमबीए करके लोग 15,000-12,000 मतलब 8,000 पे भी लोग नौकरी कर रहे हैं दिल्ली, गुड़गांव, पुणे में, तो उनको एक हम मॉडल देना चाह रहे हैं कि जो उनको गलतफहमी है कि खेती में फायदा नहीं होता है, तो आप कहीं भी 2.5 एकड़ जमीन ला के दें, एक साथ जमीन होनी चाहिए, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, 2.5 एकड़ में 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये हम एश्योर करेंगे एक साल की तैयारी के बाद, एक साल हम तैयारी कर देंगे, आप 2.5 लाख कमा सकते हैं, मतलब 20,000 रुपए महीने आप गांव में रह के कमाएंगे जहां आपको कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, बीमारी से दूर रहेंगे, अच्छी लाइफ जियेंगे। और जो एस्पिरेशन है आपके पास, जो शहर में आप शौक पूरा नहीं कर सकते हैं 10,000 रुपए में, वो 20,000 रुपए में गांव में, वो अगर दिल्ली में आप 80,000 कमा रहे हैं तो गांव का 20,000 आपका इक्विवेलेंट है। अच्छा, अगर पूजा जी कोई आपसे ये मॉडल जानना चाहता है, कोई एस्पायरिंग यूथ है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे, कैसे ये मॉडल आपका काम करता है? देखिए, जैसा मनीष ने अभी बताया कि 2.5 एकड़ का मॉडल है, ठीक है, इसमें ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें एग्रीकल्चर के अलावे फिशरी भी है,
जहाँ जहाँ मतलब ये बेसिकली लोकल क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे आसपास कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वहाँ पे किसका किसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे अगर हम पूरी जिले की बात करें तो यहाँ पे फिशरी काफी अच्छा होता है, तो फिशरी एक कंपोनेंट रहेगा। फिर बॉर्डर पे ये प्लांट्स के बड़े बड़े प्लांट्स ये कंपोनेंट रहते हैं, लाइव स्टॉक रहेगा। उसके अंदर भी हम लोग पूरा 3 सीजन कैसे क्रॉप ले सके इसकी पूरी प्लानिंग होती है। और यही आप दूसरे जिले में चले जाएं मयूरभंज में, तो मयूरभंज में फिशरी कहीं कहीं होगा लेकिन लाइव स्टॉक पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, हर्ब्स पे जोर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं। इसमें इन्वॉल्व कर चुके हैं कितने फार्मर्स को और कौन कौन से जिले में? हम लोग बेसिकली मयूरभंज जिले में ही फोकस है, वो भी उदला ब्लॉक में। तो इस पे लगभग 1000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन इस मॉडल पे पैसा समझिए कि लगभग 20 से 25 फार्मर्स अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पे काम हुआ है। एक और चीज बताना चाहूंगी कि फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मयूरभंज में ये इंट्रोड्यूस किया है पामा रोजा और लेमन ग्रास। वहाँ पे क्या है, काफी जमीन जो है खाली पड़ी हुई है, उस जमीन पे ऐसे ग्रास, ये एक ग्रास है जो कि आप एक बार लगा दो तो ये 4-5 साल तक होता रहता है, सिर्फ हमें कटाई करनी है, ठीक है। तो ये वहाँ पे अभी 140 एकड़ में इस बार लगा रहे हैं, उसके लिए डिस्टिलेशन प्लांट भी लगेगा और इससे फायदा काफी है। आप ऐसा मान के चलो 1 एकड़ में ये लगाया जाए तो लगभग 1 लाख रुपए पर एकड़ इसमें आराम से इनकम है। यू बोथ आर फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड एंड ये एक तो एग्रीकल्चर एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है जो आपके डोमेन से बाहर है, तो आपके R&D जो पार्ट है, नॉलेज जो पार्ट है, रिसर्च जो पार्ट है, आप कैसे कर रहे हैं ये सब सारी चीज को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? अब तो मुझे मतलब 2010 में खड़गपुर से निकले थे, 8 साल हो गए इस सेक्टर में काम करते हुए। तो एक तो ऐसा है कि कृषि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे हम मेरा आपका जीवन वैसे प्लांट का भी लाइफ है। अगर इस चीज़ को समझें तो उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसको पानी भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, बेसिक एक समझ है। उसके बाद जो और अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारी टीम में BSc MSc एग्रीकल्चर के लोग हैं, BTech MTech एग्रीकल्चर हैं, तो ऐसी एक टीम बना के रखी है जिनको बहुत कोर अगर अंदर जाके देखें तो वो चीज़ वो समझते हैं। हम जो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, किसान को खेती करने में जिन जिन चीज़ों की जरूरत है वो उनको ऑन फार्म अवेलेबल करवा दें, उनको ऑन फार्म हम सीड दिलवा दें, ऑन फार्म ट्रेनिंग दिलवा दें, मार्केट दिलवा दें, कोई प्रॉब्लम है वो फोन करें, उनका हम इलाज करवा दें। हम लोग काफी मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह डेवलप किया है, मार्केटिंग भी हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लगे हैं जिसमें हम सीधे किसान से खरीदते हैं और शहर में सोसाइटीज में अपार्टमेंट्स में गाड़ी लगा के सब्जी बेचते हैं। तो इससे एक तो किसान को जो भी हम बहुत क्लेम नहीं करते, झूठे क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन किसान अगर 6 में बेचता है तो हम 7 रुपए तो जरूर दे रहे हैं और कम से कम गांव के 2 लोगों का एक रोजगार हो सकता है जो वो गाड़ी चला के लाएगा, शहर में बेचेगा। आपका नेटवर्क और ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसके बारे में कुछ बताइए और टीम के बारे में। टीम में अभी ऐसा है कि हमारे टीम में कोर टीम में 6 लोग हैं, जिसमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 4 लोग तो हमारे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, right. 2 IIT से हैं, 1 NIT से, 1 BIT मिश्रा से, बाकी 2 लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, right. एक खड़गपुर के MTech एग्रीकल्चर है और एक BHU का MSc एग्रीकल्चर है। तो ये एक छोटी सी टीम है हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, बेस्ड इन भुवनेश्वर। जी ये टीम बेस्ड इन भुवनेश्वर है, सब लोग भुवनेश्वर में है, लेकिन इसके अलावा जो फार्म की टीम है वो जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं फील्ड ऑफिसर वो अलग है। और नेटवर्क ऐसा है कि हम लोग रहते भुवनेश्वर में लेकिन महीने में 8-10 दिन उदला में भी टाइम मयूरभंज में देते हैं, पूरी में हम अपना फार्म डेवलप कर रहे हैं, महीने में 7-8 दिन 10 दिन वहां देना होता है। तो भुवनेश्वर इज जस्ट अ बेस, मतलब क्योंकि आप शहर में रहके बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ आपकी आवश्यकता है कि आपको कुछ इंस्टीट्यूशनल वर्क भी करने होते हैं जो कि फार्मर से थोड़ा आगे जाके, तो वो एक मजबूरी है कि भुवनेश्वर में भी रहना होता है। पूजा जी, जैसे कि कनेक्टिंग फार्मर्स टू द मार्केट ये एक बड़ी रोल होता है, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, अब तो टेक्नोलॉजी वाले आप हैं, मार्केट को लिंक करने के लिए फार्मर से जो बड़ा रोल है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अब जैसा मनीष ने थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक फार्मर अकेले अगर करे तो कुछ नहीं कर सकता। एक एकड़ में मान लीजिए जो भी 1 क्विंटल 2 क्विंटल, तो वो उड़ीसा का जो कंडीशन है, उड़ीसा के गांव का कंडीशन आप देखेंगे तो वो 20 किलोमीटर जाकर भी नहीं बेच सकता है। लेकिन आप FPO बनाकर, SHG ग्रुप बनाकर, इस तरह से कलेक्टिव एक कर रहे हैं, SHG ग्रुप बनाए हैं। हाँ, एक SHG ग्रुप बना हुआ है, लगभग 10 के आसपास बना हुआ है वहाँ पे, और फार्मर्स क्लब
तीन फार्मर्स क्लब बने हुए हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जो उनका प्रोड्यूसर्स है, जैसे राइस हो गया, फिर छोटे छोटे ये हनी का, ये भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही कलेक्टेड है। तो एक साथ कलेक्शन हो जाता है, उसके बाद हम लोग को मार्केटिंग में आसानी हो जाती है। अच्छा। मनीष जी, क्या 3 to 5 years में आपका क्या प्लान है? देखिए, मेरा एक बिहार में मैंने शुरू किया था, अपने गांव से शुरू किया था 2010 में, और 5 साल बिहार में काम किया। जिस कंपनी को शुरू किया बिहार में, आज वो कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लगभग 70-80 लोगों की टीम है वहाँ, 20,000 किसान है। जब हम छोड़ रहे थे उस समय भी एक बड़ा नंबर हो चुका था हमारे साथ, फिर भी कुछ कारण हुआ कि वो कंपनी छोड़नी पड़ी। तो जब छोड़ रहे थे उस समय, एक जिस समय अपने ग्रेजुएशन के बाद जो एक लाइफ का और सीरियस मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर थे वो देने के बाद आप वो कंपनी छोड़ रहे हैं, तो एक पेन तो होता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था। वहाँ पे सब कुछ देखा हुआ मैंने, तो उस कंपनी के थ्रू जब हम वहाँ काम कर रहे थे, तो गोदरेज हो, रिलायंस हो, सुगना फिट्स हो, जितने को आप जो नाम लेते थे, ITC हो, बिग बाजार हो, एक सीजन ऐसा था कि बिहार की लीची स्पेंसर्स के सारे स्टॉल में केवल हम लोगों ने सप्लाई की थी। अच्छा। तो ये विश्वास था कि अगर आपके पास माल अच्छा है और क्वांटिटी है, बिकेगा, तो बायर्स तो बैठे हुए मार्केट में। ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा क्यों है? उड़ीसा जब हमने पुरानी कंपनी छोड़ी तो एक मजबूरी थी कि वहाँ पे शुरू नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट आता। राइट। एंड दूसरा कि पूजा शुरू हुई, पूजा के साथ पार्टनरशिप हुई, तो पूजा की शादी उड़ीसा में हो गई। राइट। तो हम लोग एक सपोर्ट यहाँ मिला कि बिहार से बाहर कहीं जा रहे थे। तीसरा कि हम लोग बैक टू विलेज में कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं। जो हमारा बैक टू विलेज नाम ऐसे नहीं है, हम चाहते हैं कि जो रूरल लाइफ है, रूरल लाइफ का जो एसेंस है वो रहे। ऐसा नहीं, गांव को शहर नहीं बनाना है। जो गांव में कोऑपरेशन होता है, गांव में किसी एक की शादी हुई तो गांव के लोग, वो भी हम चाहते हैं कि वो फीलिंग हो। आदमी जो आर्टिफिशियल सुपरफिशियल हो रहा है वो ना हो, वो हमारा एक पीछे में चलता रहता है। ठीक है। तो बैक टू विलेज जब शुरू किया तो लगा कि ऐसा किसी एरिया को चुने जहाँ पे हमारी बातें लोग कनेक्ट कर पाए, जहाँ के लोग बहुत डेवलप, जो आजकल का जो कोट अनकोट डेवलपमेंट है। सो क्या प्लान रखा है अगले 3 साल में? अभी 3-4 साल में, अभी जस्ट अगले साल का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ऐसे 20 कम से कम नौजवान जो बाहर नौकरी कर रहे हैं उनको, अभी हम ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में है, तो 10 तो अगले साल हम 10 ऐसे फार्म सेटअप कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जो कहीं दिल्ली बॉम्बे में नौकरी कर रहे हैं। ओके। 3-4 से लोग बात कर रहे हैं, और उन 10 के माध्यम से कम 10,000 किसान तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। और जब 10,000 किसान का नेटवर्क होगा आपके पास, तो कम से कम 2,000 एकड़ जमीन की फसल आपको जरूर मिलेगी। ओके। आप जिसका प्लान भी कर सकते हैं, आप क्या उगवाना है। ये जैसे पूजा बताई, इस बार हम लोगों ने 140 एकड़ पे पामा रोजा लगवा लिया, क्योंकि वहाँ पे लगभग 1,000 किसान का नेटवर्क है। अच्छा। लगभग 2,000 एकड़ जमीन है हमारे पास। बैक टू विलेज कॉन्सेप्ट को जो पढ़े लिखे लोगों को आप गांव में लाना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? आपको लग रहा है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट सेट किया था, जिस गोल पे आप पहुंचना चाहते थे, वो सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, सब कुछ अभी गांव से कनेक्शन, कोई भी अपनी जगह से सबका कनेक्शन होता है, सब चाहते हैं, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ भी वैसा ही है कि अगर उनको इनकम इंश्योर हो जाए, अश्योर हो जाए, तो लोग बिल्कुल आएंगे। तो ऐसे लोग काफी लोग मिल रहे हैं, इवन बहुत बड़ी संख्या में है। हमारे साइड से है कि हम लोग उतने फास्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, जितना फास्ट बढ़ना चाहिए। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप अगर देखेंगे पिछले 4-5 साल का ट्रेंड आपको मीडिया में, ये ट्रेंड चाहे कारण जो भी रहा हो, शायद अब लोग फ्रस्ट्रेशन को झेल नहीं पा रहे, तो ये ट्रेंड बढ़ा है। एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर बढ़ा है, लोग स्टार्टअप चाहे जैसा भी शुरू कर रहे हैं, और रूरल सेक्टर में भी लोग आना चाह रहे हैं। बात मुझे बताया कि अपॉर्चुनिटी आपने दी नहीं है उनको, और एक कॉन्फिडेंस हम लोग के आने का यही था कि लोग को ये लगता है शायद, क्योंकि IIT से फिर भी आ रहा है और सर्वाइव कर रहा है, रह ले रहा है, इसका मतलब जाके खेती करके रह तो सकते हैं। तो जिन लोगों में थोड़ी सी भावना है, अधिकांश एटलीस्ट बाहर का नहीं पता, हम लोग इंडियन लोगों के मन में एक होम सिकनेस होती है, उसमें पेरेंट्स से अलग रहने का मन करता नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि हाँ पेरेंट्स बूढ़े हैं, फिर भी हम बॉम्बे में नौकरी कर रहे हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी है तो मेरा मानना है कि ठीक है, शुरुआत में हम मानते हैं कि 1% लोग भी आ गए, तो आज की जो स्थिति है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट को उठाएंगे वहाँ से लाखों लोग बाहर हैं। अच्छा। एक जिले के अगर लाख पे 1% 100 लोग भी अगर वापस आते हैं, तो आपका वो जिला एक अच्छा स्थिति में आ जाएगा। तो हमारी कोशिश ही, हम ये नहीं कहते कि हम सबको वापस लाएंगे, हम इतने लोगों को वापस लाएंगे कि शहर भी चले और गाँव भी चले। थैंक्स, आपने आया इतना समय दिया हमें। ठीक है।